इनको हुए 500 साल यहाँ जी, 500 साल ये आए थे पैदल बगदाद शरीफ से, यहाँ डेक बटन कहते हैं एक जगह, वहाँ से आ गए पैदल। शाफरुद्दीन बगदादी इनका बाप का नाम जी। एक टबर किया था वहाँ बगदाद में, एक एक शादी जी। एक किया था जो ये है ना, क्या कहते हैं, अकबर बादशाह जी, मुगल खानदान, एक उधर का, एक यहाँ डोडा में, तीन इनके टबर हैं। शाफरुद्दीन साहब असर शाह असर सबसे पहले आए हैं, उसके बाद शाह अख्तियार साहब आए हैं, उसके बाद शाह अनवारुद्दीन साहब। हम किश्तवाड़ आए ही हैं तो क्यों ना यहाँ पे दो बड़ी ज़ियारत शरीफ हैं, वहाँ पे भी हम विज़िट कर लें और आपको भी दिखाएं। तो मैंने सुना था कि यहाँ पे दो बड़ी ज़ियारत शरीफ हैं, अब हम उसी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं गूगल मैप पे देख लेता हूँ कि कौन कौन सी ज़ियारत शरीफ यहाँ पे है। मैंने सर्च किया था अभी ज़ियारत किश्तवाड़, तो यहाँ पे ये दो ज़ियारत शरीफ निकली, एक ये दरगाह शाह असरारुद्दीन बगदादी और ज़ियारत ऑफ बरे शाह साहब, बरे शाह साहब कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो हम इन पे इन दोनों पे विज़िट करेंगे। तो आज के व्लॉग में आपको वही देखने को मिलेगा, तो चलिए चलते हैं जी। हम पहुंच चुके हैं इस ज़ियारत के बाहर, और बाहर से कुछ ऐसा है लग रही है। चलो चलते हैं अब अंदर, यहाँ से आप ये भी ले सकते हैं। ये बाहर कुछ चेयर्स भी लगाई हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और ये किश्तवाड़ का एरिया आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और दूसरी ज़ियारत है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। पहले मेन ज़ियारत वो है अंदर वहाँ पे। तो ये जो दीवार है इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ यहाँ सुना था हमने, ये दीवार। तो ये थी ज़ियारत शरीफ, अंदर जाके मैंने आपको पूरा दिखाया। इसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे पूरा पता नहीं है, हो गया तो मैं वॉइस ओवर में बोलूँगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी हिस्ट्री लिख दूंगा, आप पढ़ लेना इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जिस वक्त आए थे इसर इधर कहते थे फकीर थे क्या, फकीर थे क्या कहते थे, इधर ही आए थे पहले, इधर ही बैठे थे। तो फिर बाद में गए ऊपर, देखा वहाँ तो वहाँ का आराम कर दिया। जिस वक्त उन्होंने क्या किया, जिस वक्त से असर शाह असरारुद्दीन बोले थे ना, उन्होंने घोड़े पर चढ़िया चलने के लिए अपने अब्बा जी को कहा, शाफरुद्दीन साहब को, अब्बा जी यहाँ कोई घोड़े पर चढ़ा है। उसने कहा आप दीवार पर चढ़ो, चढ़ गया दीवार, आपने देखी वो दीवार, जी जी देखी देखी, तो चढ़ गया तो दीवार चलने लगे, उतारे फटाफट, ठीक है। तो फिर उनको कुछ अल्लाह से मांगा तो हो गए रुखसत, फिर ले गए कहते मुझे कश्मीर ले जाओ जी। जब कश्मीर के लिए चले तो वहाँ जब तोबू छोड़ा तो वो नहीं उठने लगा,
फिर आगे शाह फरीदल साहब के पास कहने लगे, या हजरत इस तरह बोले उठा ले, कहते उनकी जगह वही पसंद आई, उधर ही बैठो। तो बाकी मुझे इतना पता नहीं है, अगर पहले आप आते तो मैं याद करता सब कुछ। अब जनाब शाह फरीदल साहब जी, अख्यार साहब, असरार साहब, अख्यार साहब, अनवारुद्दीन साहब, तीन बच्चे हैं इनके जी, तीन बेटे। अनवारुद्दीन साथी है, अख्यारुद्दीन साहब बाहर है ना जी जी, उनका चार आज उनको आपस में चार उनको दिया है। तो फिर उसके बाद हमें हो गए 400 साल यहाँ इनकी खिदमत करने के लिए जी। हमारा जो जद है ना, यदी शेख कहते थे उसको, क्या कहते थे, यदी शेख। जिस वक्त ये आए, ये बादशाह फकीर के लिबास में, तो कहने लगे यहाँ कोई है, कहता हाँ फलानी आदमी है, तो गए लाए उसको हमारे जद को, यदी शेख। कहता यदी शेख तू कितना टबर, कहता मेरी औरत और मैं और कोई नहीं। तो कहता बच्चा शचा, कहता नहीं बच्चा शचा नहीं है, कुछ दिया तावीज़ जब दिया जी, तो लड़का हो गया। जिस वक्त लड़का हो गया तो खुद उसकी माँ फिर गया फटाफट, वो अबीर साहब जो है ना उनको कहने लगे इस तरह लड़का दिया आला ने आपके फेर बरकत से। तो माँ उनकी माँ ने कहता उधर लाओ, लाया तो ये दिया बीब साहब जो इनकी टबर है, ये दिए, कहता इसको चुनो। वो छोटा था ना जी, वही उसी खानदान में हम हैं। तो नाव जो अख्यार साहब बाहर है ना, उनके पैरों के नीचे जो कमरा है उधर नाव टावर हमारे है, हमारे शेख के जी, शेख खानदान। ठीक है, वहाँ फिर वही कान चलने लगा। ठीक है, शुक्रिया अंकल। हाजी गुलाम हुसैन शेख टेलर मास्टर, 2012 में हमने हज किया जी, 2012 में। तो इन्हीं की बरकत फैल बरकत से मेरा ये हो गया आज, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल और बादशाह की मेहरबानी से। ठीक है, और टेलरी का आप करता था, उसी में अल्लाह ने बहुत ही एहसान किया। तो अब आगे भी एहसान आपको भी एहसान करेगा, हमें भी एहसान इंशाल्लाह खुदा करना रोज। जिस काल के लिए आप आए हैं अल्लाह ताला उनको या अल्लाह वो काम आपको पूरा करेगा, या अल्लाह ईमान अमानत तंदरुस्ती इल्म अमल फराग, या अल्लाह सेहत बढ़ा रिज़्क़ बढ़ा, इमदाद को अजबंद गम आज़ाद को दर दिन दुनिया शाद को, या गौस लाजम दस की, या अल्लाह या ये मिशकीन कुल्ला फाशा फरीद दिन बसरार अख्यार वर्दीन खुदाया बंजार रहमत दिन, या अल्लाह मैंने खुदाया जिस गल वास्ते आए हैं, या अल्लाह ये खातर आमी छू सर मुराद करें पूर सर मुराद करें, या अल्लाह ईमान अमान तंदरुस्ती इल्म अमल फराग हल जज़ाउल एहसान इल्ल एहसान, या अल्लाह करे आपकी भी जो भी मांग है, आप ये भक्त वाला लड़का है इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा बनेगा, आप बेफिक्र रहिए। चलो।